रिया चक्रवर्ती के बेसलेस एलिगेशंस पर सबूत के तौर पर रिएक्शन दिया है श्वेता सिंह कीर्ति ने। क्या कुछ कहना है सुशांत की सिस्टर का, चलिए आपको बताते हैं और वो ट्वीट्स भी दिखाते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। श्वेता सिंह कीर्ति ने सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए हैं विद प्रूफ्स। जी हाँ, उन्होंने रिया चक्रवर्ती की हर बात को खारिज करते हुए, सबसे पहले तो रिया ने इस तरह की बात कही कि फैमिली के साथ उनका बिल्कुल अच्छा कनेक्शन नहीं था, फादर के साथ उनके अच्छे रिश्ते नहीं थे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रिया ने ये भी कहा कि जब सुशांत चंडीगढ़ गए थे तो फैमिली के साथ उनकी इतनी लड़ाई हुई कि वो दो दिन में ही लौट आए, जिस पर काउंटर बैक अटैक करते हुए श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया है। और उन्होंने लिखा कि मैं अपने भाई से प्यार नहीं करती थी, या हम अपने भाई से प्यार नहीं करते थे, हम प्यार करते थे और मैं प्यार करती थी, इसीलिए मैं जैसे ही मुझे पता चला कि भाई चंडीगढ़ आ रहे हैं, मैं फटाफट से मैंने अपने बच्चों के एग्जाम्स वगैरह, बच्चों को सबको रख कर मैंने सोचा कि मैं दो दिन के लिए सही लेकिन मैं जाऊँ कम से कम भाई से मिलूँ। और उन्होंने एज अ प्रूफ, उन्होंने फ्लाइट टिकट्स भी स्क्रीनशॉट डाला है एज अ प्रूफ कि वो उसी दिन जिस दिन उन्हें पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत चंडीगढ़ आ रहे हैं, वो पहुंची चंडीगढ़, लेकिन वो मिल नहीं पाई सुशांत से क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही सुशांत वहां से निकल गए। किस लिए निकल गए ये भी उन्होंने लिखा है कि रिया चक्रवर्ती के लगातार बैक टू बैक 25-30 कॉल्स के वजह से सुशांत वाज प्रेशराइज्ड टू लीव चंडीगढ़ एज सुन एज पॉसिबल एंड वो मुंबई वापस आए बिकॉज उन्हें आइसोलेट किया जा रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि फैमिली जो है वो हमेशा साथ रही है सुशांत के और हमेशा प्यार किया है, फैमिली के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, सो डेयर एनीवन पॉइंट एनी फिंगर एट फैमिली। और सिर्फ इतना ही नहीं, श्वेता सिंह कीर्ति ने यह भी लिखा कि रिया जो बातें कर रही हैं कि क्यों नहीं बताया फैमिली को अगर मैं आइसोलेट कर रही थी, तो श्वेता सिंह कीर्ति ने इस बात का भी खुलासा किया कि जनवरी में ही भाई ने, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत ने जनवरी में ही रानी दी जो कि सबसे बड़ी दीदी हैं, उनको कॉल करके बता दिया था दैट ही इज बीइंग ड्रग्ड, ही इज बीइंग आइसोलेटेड एंड उनके साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है। इस बात को सुशांत ने खुद ही बता दिया था और इसीलिए वो चंडीगढ़ आना चाहते थे, लेकिन रिया के बैक टू बैक कॉल्स की वजह से सुशांत को वापस लौटना पड़ा। सो इस तरह की सारी रेवोल्यूशंस कर दी है और रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट्स को बैक स्लैम कर दिया है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर, यह आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में।